ये 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 जो चीज़ है किसान ही बो सकता है, न कि ये फैक्ट्री में होगा। इसको फैक्ट्री में नहीं उगा सकते, आखिर इसको किसान ही बोएगा। अगर ये किसान बोएगा नहीं, उसको फसल की कीमत ही नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ से खाएंगे? हम किसान नहीं हैं, हम एक बिजनेसमैन हैं राजस्थान के। ये जब किसान बोएगा ही नहीं और किसान लेके नहीं आएगा मार्केट में, तो खाएंगे कहाँ से? हम ये सोचते हैं अभी किसान को एक डेढ़ गुना जो मोदी ने 2014 के अंदर ये एक वादा किया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, डेढ़ गुना फसल का दाम देंगे, वो आज 3 साल के अंदर भूल गई। किसान फांसी खा खा के मर रहा है, किसान इनको कोई लेना देना नहीं है। किसान जब वोटों की राजनीति होती है जब तो किसान किसान करते हैं, इसके बाद में ये बांटना शुरू कर देते हैं, कभी हिंदू हो गया, कभी मुसलमान हो गया, कभी ईसाई हो गया, कभी सिख हो गया। अरे हम तुम बांट क्यों रहे हो भैया? किसान तो किसान है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो दलित है चाहे वो जाट है चाहे गुज्जर है, किसान तो आखिर किसान है। फसल तो बो रहा है, फसल का दाम दोगे तभी तो वो मार्केट में आएगा। घर घर पेड़ तो हमारा किसान के बोने से ही भरेगा, फैक्ट्री से तो किसान होगा नहीं है। इसलिए हमारा तो मोदी जी से एक ही डिमांड है कि फसल का डेढ़ गुना दाम किया जाए, जिससे किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बस मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो कहने की, अब तो सबका साथ खुद का विकास और सबका विनाश।